गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्या आप सबको याद है हमने पिछली बार ये सर्कल कैसे बनाया था? हाँ, हमने एक धागे और दो पेंसिल की मदद से बनाया था। इस बार हम सर्कल के चार हिस्सों के बारे में, चार कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे। पहला कंपोनेंट है सेंटर, जिसको हम हिंदी में केंद्र कहते हैं। क्या आपको याद है हमने एक पेंसिल को बीच में रख के दूसरी पेंसिल से सर्कल बनाया था? तो जो पेंसिल हमने बीच में रखी थी उसका एक डॉट आया होगा कागज़ पर, जिसको हम सेंटर कहते हैं। सेंटर की दूरी सर्कल की हर साइड से बिल्कुल एक बराबर होती है, जिसको हम रेडियस कहते हैं। दोनों पेंसिलों की दूरी भी रेडियस के बराबर ही थी। क्या आप देख पा रहे हैं यहाँ से और यहाँ से जो धागा है उसकी दूरी एक बराबर है। चलिए अब हम इस धागे को नापते हैं। ये धागा 10 सेंटीमीटर का है, जिसका मतलब दोनों पेंसिल की दूरी भी 10 सेंटीमीटर थी और केंद्र से सर्कल की दूरी भी 10 सेंटीमीटर है। इसको हम रेडियस यानी त्रिज्या बोलेंगे। दूसरा है डायमीटर यानी कि व्यास। अब आप अपने धागे को लीजिए और उसको एक जगह से काट दीजिए। क्या ये धागा रेडियस का डबल हो गया? अगर हम इसको सर्कल पे रख के देखें तो ये धागा जब सेंटर से पास हो रहा है तो सर्कल की दोनों छोरों को छू रहा है। इसको हम डायमीटर कहते हैं। डायमीटर रेडियस का दो गुना होता है। इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि डायमीटर हमेशा सर्कल के सेंटर से पास होना चाहिए। डायमीटर सर्कल में बहुत सारे बन सकते हैं, अनगिनत बन सकते हैं। इसके बाद है कॉर्ड। कॉर्ड को हम हिंदी में जीवा कहते हैं। कॉर्ड हर वो एक लाइन, एक रेखा होती है जो सर्कल के किन्हीं भी दो छोरों को छूती है। तो चलिए अब मैं ये चार चीज़ें आपको इस सर्कल पर बनाकर दिखाती हूँ। केंद्र से सर्कल की दूरी को रेडियस कहते हैं। जो रेखा केंद्र से सर्कल के दोनों छोरों तक पहुंचती है उसे हम डायमीटर कहते हैं। कोई भी ऐसी रेखा जो सर्कल के किन्हीं भी दो छोरों को छूती है उसे हम कॉर्ड कहते हैं। तो क्या आपको सर्कल के सभी हिस्सों के बारे में समझ आया? क्या आपको याद है हमने रेडियस का नाप कितना निकाला था? क्या हम यहाँ से नाप कर देख सकते हैं? रेडियस का नाप है 10 सेंटीमीटर। डायमीटर रेडियस का डबल होता है, तो डायमीटर का नाप कितना होगा? 20 सेंटीमीटर।